हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहाँ पे हम बात करने वाली हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट आप में से इसके लिए एलिजिबल रहने वाले और अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसीज है। सो कैसे और किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कब से कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, कैसे आपकी इसमें सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाले हैं। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज ऑलरेडी आउट कर दी गई हैं, जिसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clori.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप अप्लाई कर पाएंगे। और वेबसाइट आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखा देती हूँ, आप इसको सीधा अगर गूगल पर टाइप करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर पर साइट मिल जाएगी। आप इसको गूगल पर भी टाइप कर सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट होगा। अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे आपको पहले नंबर पर साइट मिल जाएगी, अपनी लोकेशन वाइज भी चेक कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन वाइज चेक करके सिंगल एक क्लिक पर वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन का लिंक भी अटैच है और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी, तो जरूर से आप अप्लाई कर लेना जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। चलिए ज्यादा टाइम लेते हैं, बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, कब से कब तक आप इन अपडेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं इंडिया पोस्ट, ठीक है। इंडिया पोस्ट की जो भी वैकेंसीज होती हैं, आपको पता है सेंट्रल का डिपार्टमेंट है, ऑल इंडिया से आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और जॉब लोकेशन भी आपके यहां पर अक्रॉस इंडिया ही रहने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर अप्लाई कर लेना होगा इन वैकेंसीज के लिए, जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ अप्लाई कर पाएंगे और ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल हैं और इन अपडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे 18,000 से 81,000 सैलरी है और मेल फीमेल दोनों यहाँ अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे ऑल इंडिया से। कोई भी लोकेशन का बैरियर नहीं है, आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं अप्लाई कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की नेक्स्ट अगर बात करें 10th 12th ग्रेजुएट तीनों एलिजिबल है, अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे अगर वैकेंसीज की बात करें कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, वो भी नेक्स्ट बात करेंगे। सबसे पहले मेल गार्ड की पोस्ट है, ठीक है, जिसमें 25,500 से 81,100 आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। उसके बाद पोस्टमैन की वैकेंसीज है, जिसमें 21,700 से 69,100 है। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, जिसमें 18,000 से 56,900 आपकी सैलरी जो है वो रहने वाली है। इससे पहले आपको पता है इसी नोटिफिकेशन में पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट भी होती थी, बट उसको अब सीजीएल के अंडर कर दिया गया है, तो उसके लिए आपको उसके लिए अब 12th पास एलिजिबल नहीं है, पहले होते थे। अब इन वैकेंसीज के लिए अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट है आप देख पा रहे हैं मेल गार्ड की, इसके लिए 12th ग्रेजुएट दोनों एलिजिबल हैं, इवन 12th पास भी ग्रेजुएट भी दोनों अप्लाई कर पाएंगे। पोस्टमैन की यहाँ पे अगर हम बात करें, इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, 12th पास ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर पोजीशन की बात करें वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसके लिए 10th पास तो एलिजिबल है ही, अगर 12th पास चाहते हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं रहती है, ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें क्वालिफिकेशन की, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन आपकी यहाँ पर रिक्वायर्ड है। सिलेक्शन की यहाँ पे बात करें, आपकी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपकी होने वाली है, अगर रिक्वायर्ड होगा इस बार क्या चेंजेस होते हैं, अगर एग्जाम होता है तब भी आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद फी की बात करें, 100 रुपीज़ आपकी इसमें रहने वाली है, अनडिजर्व के लिए, रिजर्व के लिए और फीमेल के लिए कोई फी नहीं रहने वाली है। रिजर्वड SC ST PWD एक्स सर्विसमैन जो जो भी कैंडिडेट हैं कोई फी नहीं है, फीमेल रिजर्व्ड है चाहे अनडिजर्व्ड है कोई फी नहीं है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट वैसे अलग अलग रहती है, 18 to 27, ठीक है, 18 to 32 के अराउंड भी हो सकती है किसी पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं रिलैक्सेशन 3 साल के OBC का, इसके बाद PWD कैंडिडेट की यहाँ पे हम बात करें 10 ईयर्स का है, अगर वो PWD कैंडिडेट जो है जनरल कैंडिडेट है,
ठीक है, अगर पीडब्ल्यूडी ओबीसी है उनको 13 साल का है, एससी एसटी को 15 ईयर्स का है। इसके अलावा ओबीसी के साथ साथ एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पे हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की। अभी तो आपको पता है इसके लिए सिर्फ अनाउंसमेंट की गई है, और हाँ मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन देखा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप 17 तारीख से या 18 तारीख से अप्लाई कर पाएंगे, और वो नोटिफिकेशन बताया जा रहा है आपको मेल गार्ड का और अदर वैकेंसीज का। लेकिन आपको बता दूँ वो ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट के लिए है, जो जीडीएस की पोजीशन पे ऑलरेडी पोस्टिंग है जिनकी, वो उनके लिए है ऑलरेडी जो वर्किंग है, वो फ्रेशर का नहीं है। ठीक है, आपको क्लियर कर दूँ, ये वाला नोटिफिकेशन फ्रेशर्स का ही आने वाला है। कुछ डेज में अभी ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि आपको पता है अगर मैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात करूँ, इंडिया की सबसे बड़ी जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी, ठीक है, रेलवे और इंडिया पोस्ट है, जिसके लिए 10th 12th ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आईटीआई डिप्लोमा सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज होती है। अब आगे क्या आ रहे हैं, इलेक्शन, तो डेफिनेटली आपको पोस्ट ऑफिस का नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आऊँगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है ना, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं इसके लिए, क्या क्या अदर रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, कमेंट जरूर करना, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगी। आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ऑल पे जरूर क्लिक करना ताकि आगे जो वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।